सल्थूर सल्थूर सही बुखारी हदीस नंबर इकतालीस हजूर अक्रम सल्ह वसलम ने इर्शाद फरमाया कि जब एक बंदा मुसलमान हो जाए और उसका इस्लाम उमदा हो यकीन खुलूस के साथ हो तो अल्लाह उसके गुनाह को जो उसने इस इस्लाम लाने से पहले किया फरमा देता है और अब इसके बाद के लिए बदला शुरू हो जाता है यानी एक नेकी के अवज़ दस गुना से लेकर सात सौ गुना तक सवाब और एक बुराई का इसी बुराई के मुताबिक बदला दिया जाता है मगर ये कि अल्लाह ताला उस बुराई से भी दरगुजर करे और उसे भी फरमा दे ये भी उसके लिए आसान है सही बुखारी हदीस नंबर बयालीस रसूल सल्ला वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स जब अपने इस्लाम को उमदा बना ले यानी निफाक और रिया से पाक कर ले तो हर नेक काम जो वो करता है उसके अवज़ दस से लेकर सात सौ गुना तक नेकिया लिखी जाती हैं और हर बुरा काम जो करता है तो वो उतना ही लिखा जाता है जितना कि उसने किया है सही बुखारी हदीस नंबर तेरालीस एक दिन हज़रत आयशा आयशारद्ला के पास आए उस वक्त एक औरत हजरत आयशा रद्ल तहा के पास बैठी थी आप सल्लाम सल ने दरियाफ्त किया ये कौन है अर्ज़ किया फला औरत और इसकी नमाज के इश्याक़ और पाबंदी का ज़िक्र किया आप सल्लल्लाहु वसल्लम ने फरमाया ठहर जाओ सुन लो कि तुम पर उतना ही अमल वाजिब है जितने अमल की तुम्हारे अंदर ताकत है अल्लाह की कसम सवाब देने से अल्लाह नहीं उकताता मगर तुम अमल करते करते उकता जाओगे और अल्लाह को दीन का वही अमल ज़्यादा पसंद है जिसकी हमेशा पाबंदी की जा सके और इंसान बग़ैर उकताए इसे अंजाम दे सही बुखारी हदीस नंबर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने ला इल्लल्लाह कह लिया और उसके दिल में जो बराबर भी ईमान है तो वो एक ना एक दिन दो से जरूर निकलेगा और दो से वो शख्स भी जरूर निकलेगा जिसने कलमा पढ़ा और उसके दिल में गेहूं के दाने बराबर खैर है और दो से वो भी निकलेगा जिसने कलमा पढ़ा और उसके दिल में एक जर्रा बराबर भी खैर है सही बुखारी हदीस नंबर 45 एक यहूदी ने हज़रत उमर बिन खत्ताब रद्ल तू से कहा कि अय मोमिनीन तुम्हारी किताब क़ुरान में एक आयत है जिसे तुम पढ़ते हो अगर वह हम यहूदियों पर नाजिल होती तो हम इसके नजूल के दिन को योम ईद बना लेते आपने पूछा वह कौन सी आयत है उसने जवाब दिया सूर्य मायदा की आयत कि आज मैंने तुम्हारे दिन को मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम पसंद किया हजरत उमर हज़रतमर रद्ल ने फ़रमाया कि हम इस दिन और इस मकाम को खूब जानते हैं जब ये आयत सल्लल्लाहु सल अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई उस वक्त आप अलैहि वसल्लम अरफात में जुमे के दिन खड़े हुए थे सही बुखारी हदीस नंबर छियालीस तलहा बिन उबैदुल्ल् कहते थे कि नजद वालों में से एक शख्स आ अलैहि वसल्लम के पास आया सर परेशान यानी बाल बिखरे हुए थे हम उसकी आवाज़ की बिन बिनाहट सुनते थे और हम समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या कह रहा है यहाँ तक कि वो नज़दीक आन पहुँचा जब मालूम हुआ कि वो इस्लाम के बारे में पूछ रहा है आ हज़रत वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम दिन रात में पाँच नमाजें पढ़ना है उसने कहा बस इसके सिवा तो और कोई नमाज मुझ पर नहीं आपने फरमाया नहीं मगर तू नफिल पढ़े तो और बात है आ हज़रत सल्ला वसल्लम ने फरमाया और रमज़ान के रोज़े रखना उसने कहा और तो कोई रोज़ा मुझ पर नहीं है आपने फरमाया नहीं मगर तू नफिल रोज़े रखे तो और बात है तलहा ने कहा और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सकात का बयान किया वो कहने लगा कि बस और कोई सदका मुझ पर नहीं है आपने फरमाया नहीं मगर ये कि तू नफिल दे तो और बात है फिर वो शख्स पीठ मोड़ कर चला गया यूँ कहता जाता था कसम खुदा की मैं ना इससे बढ़ाऊंगा ना घटाऊंगा आ हज़रत वसल्लम ने फ़रमाया अगर ये सच्चा है तो अपनी मुराद को पहुँच गया सही बुखारी हदीस नंबर सैंतालीस आजरत सल्ला वसल्लम ने फरमाया जो कोई ईमान रख कर और सवाब की नीयत से किसी मुसलमान के जनाजे के साथ जाए और नमाज और दफन से फरागत होने तक उसके साथ रहे तो वो दो करात सवाब लेकर लौटेगा हर करात इतना बड़ा होगा जैसे ओहद का पहाड़ और जो शख्स जनाजे पर नमाज पढ़कर दफन से पहले लौट जाए तो वो एक करात सवाब लेकर लौटेगा सही बुखारी हदीस नंबर अड़तालीस आ हज़रतल्हु वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान को गाली देने से आदमी फास हो जाता है और मुसलमान से लड़ना कुफ्र है सही बुखारी हदीस नंबर उनचास आ हज़रत अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से निकले लोगों को शब क़द्र बताना चाहते थे वो कौन सी रात है इतने में दो मुसलमान आपस में लड़ पड़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तो इसलिए बाहर निकला था कि तुमको शब क़द्र बतलाऊं। और फलां फलां आदमी लड़ पड़े तो वो मेरे दिल से उठा ली गई और शायद इसी में कुछ तुम्हारी बेहतरी हो तो अब ऐसा करो कि शब क़द्र को रमज़ान की सत्ताईसवीं उनतीसवीं और पच्चीसवीं रात में ढूंढा करो सही बुखारी हदीस नंबर पचास एक दिन आ हज़रत सल्ला लोगों में तशरीफ फरमा थे कि आपके पास एक शख्स आया और पूछने लगा कि ईमान किसे कहते हैं आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान ये है कि तुम अल्लाह पाक के वजूद और उसकी वाहदानियत पर ईमान लाओ और उसके फरिश्तों के वजूद पर और उस अल्लाह की मुलाकात के बरक़ होने पर और उसके रसूलों के बरक़ होने पर और मरने के बाद दोबारा उठने पर ईमान लाओ फिर उसने पूछा कि इस्लाम क्या है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जवाब दिया कि इस्लाम ये है कि तुम खालिस अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न बनाओ और नमाज कायम करो और ज़क़़़ फ़र्ज अदा करो और रमज़ान के रोज़े रखो फिर उसने एहसान के मुतालिक पूछा आप ने फरमाया एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया तुम उसे देख रहे हो अगर ये दर्जा ना हासिल हो तो फिर ये तो समझो कि वो तुमको देख रहा है फिर उसने पूछा कि कयामत कब आएगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके बारे में जवाब देने वाला पूछने वाले से कुछ ज़्यादा नहीं जानता अलबतः मैं तुम्हें उसकी निशानियाँ बतला सकता हूँ वो ये हैं कि जब लोंडी अपने आका को जनेगी और जब सियाह ऊंटों के चराने वाले देहाती लोग तरक्की करते करते मकानात की तामीर में एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश करेंगे याद रखो क़यामत का इल्म इन पाँच चीज़ों में है जिनको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत पढ़ी कि अल्लाह ही को क़यामत का इल्म है कि वो कब होगी फिर वो पूछने वाला पीठ फेर कर जाने लगा आपने फरमाया कि इसे वापस बुला कर लाओ लोग दौड़ पड़े मगर वो कहीं नजर नहीं आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जिब्राइल अलैहि सलाम थे जो लोगों को उनका दीन सिखाने आए थे थैंक्स फॉर वॉचिंग डोंट फॉरगेट लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब